यहां तक हमने लिखा था। इसके आगे कुछ नोट्स में लिखना है, नोट लिख। इफ स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू टू, इफ स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू टू, दिस इंप्लाइज एक एस और एक पी ऑर्बिटल। वन एस वन पी वो नहीं है, है ना? वन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितने हैं? एक। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हैं? एक। वन एस वन पी नहीं है ये, ध्यान रखना। क्या करें, कैसे लिखें? छोटा वन लिख देते हैं। एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा और जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगा दैट विल बी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू थ्री, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू फोर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू फाइव, सिक्स और सेवन। स्टेरिक नंबर थ्री का क्या मतलब होगा? एक एस और दो पी। दिस विल गिव यू एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर फोर का क्या मतलब हो गया? एक एस और थ्री पी। दिस विल गिव यू व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर फाइव का क्या मतलब हो गया? एक एस थ्री पी एंड वन डी। दिस विल गिव यू sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर सिक्स, दो डी ऑर्बिटल्स। दिस विल गिव यू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर सेवन, एक एस तीन पी और तीन डी। दिस विल गिव यू sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इधर फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, घर पे जाकर कर लेंगे। स्टेरिक नंबर अगर दो आ गया एसपी, तीन आ गया तो एसपी टू, चार आ गया तो एसपी थ्री, पांच आ गया तो एसपी थ्री डी, छह आ गया तो एसपी थ्री डी टू और सात आ गया तो एसपी थ्री डी थ्री। अब मुद्दे की बात है कि स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कैसे होगा। ये सब तो कहानी लिख ली। क्या लिखी? कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल डिपेंड अपॉन व्हाट? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उसके बाद लोन पेयर का डेफिनेशन लिख लिया, फिर ये लिख लिया कि स्टेरिक नंबर कब क्या होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब मुद्दे की बात है कि स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। How to calculate steric number?
दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और दूसरा शॉर्टकट, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू वी प्लस एम प्लस माइनस सी बाय टू। दिस सी स्टैंड्स फॉर चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो और कैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, V प्लस एम माइनस, यार फिर से सी आ जाएगा, ऐसा करो इसको क्यू लिख लो, क्यू लिख लो, वी प्लस एम माइनस कैटाइनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, अब सही हो जाएगा। कैटाइन पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस टू, तो उसको क्या करेंगे घटाएंगे, एनायन पर चार्ज आएगा माइनस टू, तो उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अपने तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे, जब वी वगैरह का मतलब लिखेंगे, लिखो V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम बाद में, ये वाला फॉर्मूला का लिख रहे हैं, सी इज इक्वल्स टू कैटाइनिक चार्ज, ए इज इक्वल्स टू एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज का क्या मतलब होगा, कब होगा किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बोलो, जब इलेक्ट्रॉन बाहर होगा या इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, माइनस। तो आपको नहीं था बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर रहे हैं हम यहां पर, कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो क्या करना होगा, घटाना होगा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस सी, एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो प्लस ए। अब बात आ गई एम की, तो एम थोड़ा डिफिकल्ट है, एम के लिए लिखो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट के बगल में लिखना साइड एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज अटैच्ड, मोनोवेलेंट का क्या मतलब होता है, वैलेंसी वन, एक बॉन्ड बना रहा होगा, तो आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज, तो एग्जांपल लिखिए मोनोवेलेंट स्पीशीज का, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज, HCl, HF, HBr, HI, ये HI2 नहीं बनता है ना, मोनोवेलेंट स्पीशीज। बट अगर डाइवेलेंट हुआ
तब क्या करेंगे? तो ये दो याद रखना है, नोट। फॉर डाइवेलेंट स्पीशीज एम इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट जीरो लिख देने का। फॉर डाइवेलेंट स्पीशीज एम इज इक्वल टू जीरो, डाइवेलेंट का एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, डाइवेलेंट का एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन। ट्राइवेलेंट स्पीशीज एम इज इक्वल्स टू माइनस वन, एग्जाम्पल नाइट्रोजन। तो हम सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी कैटायनिक चार्ज एनायनिक चार्ज तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ध्यान रहेगा, एनायन वाले को ऐड करना है, कैटायन वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में सोचो तो एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं ना, तो बेसिकली जो बाहर से ऐड होता है उसी के कारण नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। बेसिकली सब इलेक्ट्रॉन्स को ही ऐड कर रहे हैं, और क्या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक पॉइंट हमने यहां पर लिखा क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ टू डिटरमाइन दिस सेंट्रल एटम, हाउ टू डिटरमाइन दिस सेंट्रल एटम, हाउ टू डिटरमाइन कि गिवन कंपाउंड में कि क्या है सेंट्रल एटम कौन है। जैसे POCl3, अब पी भी है, ओ भी है, सी एल भी है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ये है सेंट्रल एटम? उसके लिखो, सेंट्रल एटम विल बी लेस इन नंबर, सेंट्रल एटम विल बी लेस इन नंबर, इट विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और तीसरा, इट कैन फॉर्म, एबिलिटी टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सेंट्रल एटम कैसे डिफाइन करेंगे हम, चूज कैसे करेंगे? इन तीन क्राइटेरिया, जिनका नंबर कम होगा, ठीक है, जिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और जिसके पास एबिलिटी होगा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स करने का। तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? कॉमन सेंस, दो ही एटम है, इसमें से कोई एक सेंट्रल होगा, कौन होगा CH4 में सेंट्रल एटम? सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि सी इज व्हाट? लेस इन नंबर, इट हैज मोर एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इट विल बी अ सेंट्रल एटम। एक से जब अधिक आएगा तो क्या करना है वो हम जब क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आएगा तब देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर हम सीख गए ना, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे हम। एक तो मैं करके दूंगा, उसके बाद बाकी आप करेंगे। CH4 सेंट्रल एटम डिसाइड हो गया, कार्बन।
कार्बन का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2 और 2p2। डब्बा बनाओगे तो लास्ट वाले का, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, क्योंकि एक उड़कर यहां आता है एक्साइटेड स्टेट में। सो फॉर कार्बन, नीचे स्टेरिक नंबर लिखो, स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला वी प्लस एम प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। आप यही यूज करना, कैटायन का चार्ज घटाना है, एनायन का चार्ज ऐड करना है। बोलो वी का वैल्यू क्या लिखें, पढ़ो वी क्या था, व्हाट वाज वी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, इन सेंट्रल एटम। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार। नेक्स्ट एम का वैल्यू बोलो बेटा, पढ़ो एम का वैल्यू क्या होगा, एच हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट है ना, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट। तो कितने मोनोवेलेंट है हाइड्रोजन, देखो यहां पर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज अटैच, तो नंबर ऑफ साइड एटम्स अटैच, कितने साइड एटम्स हैं, चार, लिखो चार। कैटायनिक चार्जेस जीरो, एनायनिक चार्ज कोई चार्ज नहीं है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर, और आज की क्लास जहां से शुरुआत हुई थी कि अगर स्टेरिक नंबर चार आ गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो एक एस और तीन पी मिलकर क्या देगा आपको, sp3। फिर से लिख लेंगे हम यहां पर, चार का मतलब क्या हुआ, एक एस और तीन पी मिलकर क्या देगा आपको, sp3। तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, ठीक है। दिस इज योर मेथड वन, शॉर्ट ट्रिक वाला, यही यूज करेंगे हम। मेथड टू, कार्बन एक दो तीन चार, हाइड्रोजन एक दो तीन चार, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और चार सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर है कार्बन के पास या किसी के भी पास, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बचा तो जीरो। सिग्मा बॉन्ड कितना है, चार। स्टेरिक नंबर कितना आएगा, चार। स्टेरिक नंबर चार इंप्लाइज व्हाट, व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, ठीक, चलिए शुरू हो जाइए, अब मेरा काम खत्म। कोशिश करिए, दोनों मेथड से बनाना है, मेथड वन और मेथड टू। मेथड वन से पहले आंसर ले जाओ, फिर मेथड टू लगा लेना।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए। हाँ सेंट्रल आइटम मिला, सेंट्रल आइटम का आपने वो लिखा 1s2, 2s2 और 2p3, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम क्या होता था? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम्स। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है पहले? हाँ है। कितने साइड एटम्स हैं? 3। एम का वैल्यू 3। कोई चार्ज है क्या? बताओ कितना आएगा। अरे कॉन्फिडेंट रहो, गलत क्या हो जाएगा, मैथ्स थोड़ी है। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अब डायग्राम से इसी के नीचे लिख लेना यार, इधर मत लिखना, 4 के नीचे लिख लेना sp3। डायग्राम से NH3 कैसे बनेगा? कॉमन सेंस लगाओ ना यार। हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? हाँ बोलो, हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ, है ना? तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचा? एक लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं? एक। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक, दो और 3। आया 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। नेक्स्ट, बोरोन फ्लोराइड bf3। दोनों तरीके से बनाइएगा।
बोरोन कितने पर है? पांच पर, टू एच टू और 2p1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला होता है? आउटर मोस्ट शेल वाला होता है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? टू वाला। वन वाला तो आउटर मोस्ट शेल होगा नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? टू और वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी इज इक्वल्स टू 3। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखना है। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एम। तो एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज अटैच, मतलब नंबर ऑफ साइड एटम्स। कितने नंबर ऑफ साइड एटम्स? 3। एम का वैल्यू क्या होगा? 3। कोई चार्ज है, विच मीन्स क्या होगा स्टेरिक नंबर? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाय टू। तो 3 + 3 - 0, दिस विल गिव यू 6/2, विच इज इक्वल टू 3। अब 3 के लिए क्या होगा? एक s और 2, दिस विल गिव यू हाउ मच? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आया आपका आंसर, sp2। तो दिस इज योर मेथड 1, और मेथड 2 से करें तो भी सेम आंसर आना चाहिए था। मेथड 2 क्या था? 3 बॉन्ड्स बना देंगे, तीनों क्या होंगे? सिग्मा। जब आप बोरोन में 3 बॉन्ड्स बना दोगे, बोरोन के पास तो 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से ज्यादा तो कुछ बचेगा नहीं, ना ही लोन पेयर कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड्स कितने आए? 3। लोन पेयर कितना है? 0। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3। और 3 से क्या बनता है? sp2। ये बना आपका। नेक्स्ट, 4 नंबर। POCl3
हो गया POCl3। तो यहां पर P कितना है? 1। O कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 3। लेस नंबर ऑफ एटम्स, तो या तो P सेंट्रल एटम होगा या तो O होगा। तो दोनों तो एक एक है, डिसाइड कैसे करें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? O का ज्यादा होता है। तो O का इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा होगा तो क्या वो सेंट्रल एटम होगा? नहीं होगा। सेंट्रल एटम क्या होता है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। ठीक है, तो P विल बी योर सेंट्रल एटम। कैसे पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा पी का? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कराया था आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कराया था ना। क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर? फोन कॉल पर सी हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन था ना। लिखवाया भी था ये मैंने आपको, याद करने के लिए बोला था कि हमेशा यूज होगा, याद कर लो। फोन कॉल बरसी कप हाइड्रोजन। परसी में एक रह गया आयोडीन। बरसी है ना, SI। यहां से क्या डिसीजन लेंगे हम? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? पढ़ो ऊपर क्या लिखा है मैंने आपको। सेंट्रल एटम के कैटेगरीज में सेंट्रल एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ओ और पी में किसको सेलेक्ट करेंगे? पी को सेलेक्ट करें। पी अपना हो गया सेंट्रल एटम। बढ़िया, शुरू हो जाओ फिर। पी अगर सेंट्रल एटम है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5। लिखने की जरूरत है वो 1s2 2s2 कर लेंगे हम डायरेक्ट। अब तो V का वैल्यू कितना आएगा? साइड एटम्स, तो साइड एटम्स में अगर आप M का वैल्यू क्लोरीन के लिए देखो तो क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे? 3। बट ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट के लिए क्या लिखना है? एम फॉर ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये एम किसके लिए लिखा? ऑक्सीजन के लिए लिखा, जो कि क्या है? डाइवेलेंट। ये एम किसके लिए लिखा? क्लोरीन के लिए लिखा, जो क्या है? मोनोवेलेंट। बाकी कोई चार्ज वार्ज है क्या? कैटायनिक चार्जेस 0, एनायनिक चार्जेस 0। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर? वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय, दिस विल गिव यू हाउ मच? 5 + 3 - 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। 8/2 विल गिव यू व्हाट? 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3।
समझ में आई? ये नया था। कहने का मतलब है जितने भी साइड एटम्स होंगे सबका आपको एम कैलकुलेट करना है। समझ में आया? जितने भी साइड एटम्स होंगे एम सबका कैलकुलेट होकर टोटल एम लिखाएगा। वी हैव टू राइट व्हाट? टोटल एम। सेंट्रल एटम तो एक ही होगा तो वी तो एक ही आएगा। फिफ्टीन में वी कैसे आया वो भी एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस? ये आउटर मोस्ट शेल है थ्री वाला, है ना? इस आउटर मोस्ट शेल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 3, 5। ये आया 5। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। क्लियर है आपको? यही आंसर डायग्राम से भी आना चाहिए। मेथड टू, POCl3 का डायग्राम बना लीजिए। सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें? दूसरा वाला बॉन्ड क्या होगा? पाई, पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड इज सिग्मा, दूसरा वाला क्या होगा? पाई। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पर कितना है? 0। कितना आएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। ठीक है, तो यहां बगल में डब्बे में नोट करके लिखेंगे। किसी भी एटम में अगर एक बॉन्ड बनता है तो वो एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। याद रखना है इस, किसी भी एटम में अगर दो बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और एक पाई। और किसी भी एटम तीन बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और दो पाई। मेमोराइज। तो पी के 5 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपका बनाओ PCl। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए SF6। कौन सा वाला एग्जाम्पल है? चौथा, पांचवा, फिफ्थ? अरे यार, बनाइए SF6। कष्ट देता है भाई।
हो गया मेहनत। तो सल्फर किसके नीचे है? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 6। सल्फर में भी कितना आएगा? 6। सल्फर है कितने पर? 16 पर, है ना। सल्फर कितने पर है? 16। 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p4। ये आया आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 4। इसको क्या बुलाते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज, तो एम का वैल्यू कितना होगा? 6। 6 फ्लोरीन है ना, एम का वैल्यू है 6। कोई चार्ज है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर? तो याद हो गया होगा यार, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 6। इस 6 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे हम? 1s और 3p, 3 × 4 और बच गया 2, 2d। तो sp3d2, ये आया आपका आंसर। डायग्राम भी है क्या? नहीं, डायग्राम बढ़िया। ठीक है, sp3d2। नेक्स्ट, सिक्स्थ। XeO2F2 H2O वाटर का डायग्राम से भी बनाना है, वाटर का दोनों करना है। ठीक है, मेथड वन एज वेल एज मेथड टू, एंड द नेक्स्ट वन इज करो ये तीनों। BeCl2, पहले ये दोनों करो, XeO2F2। ज़ेनॉन में बताने की जरूरत है क्या कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, ज़ेनॉन किधर है? नोबल गैस। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। डायरेक्ट 8 लिखेंगे।
एक्सीओ टू एफ टू हो गया, तो सेंट्रल एटम तो करने की जरूरत है नहीं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफ और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम क्या होगा? जेनन। सेंट्रल एटम अगर जेनन है तो वी का वैल्यू क्या आएगा? एट। उसके बाद बाकी बच गया उसके लिए एम लिखना होगा, ऑक्सीजन के लिए एम कितना आता है? जीरो। उसके बाद फ्लोरीन क्या है? मोनोवेलेंट। फ्लोरीन इज व्हाट? मोनोवेलेंट। तो एम का वैल्यू क्या आएगा? तो व्हाट इज नेट एम? ये आया आपका, बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए, चार्ज तो है नहीं। वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाय 8 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू हाउ मच? 5। 5 के लिए क्या होगा? 1s, 3p और 1d, 3 1 4 1 5, तो क्या बनेगा ये? sp3d। वाटर हो गया, तो वाटर के लिए ऑक्सीजन विल बी व्हाट? सेंट्रल एटम। साइड एटम नहीं है ऑक्सीजन, क्या है वो? सेंट्रल एटम। व्हाई सेंट्रल एटम? बिकॉज इट इज लेस इन नंबर, ठीक है? तो ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1s2, 2s2 और 4, 2, 6, 2, 8, 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये आया आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन के लिए वी का वैल्यू क्या होगा? 6। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एम का वैल्यू क्या आएगा? 2। मोनोवेलेंट स्पीशीज, और क्योंकि कोई चार्ज वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 6 + 2 - 0 + 0 / दिस विल गिव यू व्हाट? 8 / 2 विच इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? एसपी। ये आया आपका, और डायग्राम से कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है? तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 2 हुए, लोन पेयर 2 हुए, तो कितना आएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट BeCl2। BeCl2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 और 2s2। आउटर मोस्ट शेल क्या है? दिस। तो वी का वैल्यू क्या आएगा? क्लोरीन मोनोवेलेंट है, कितने मोनोवेलेंट स्पेशीज हैं? 2। तो एम का वैल्यू क्या आएगा? क्लोरीन। चार्ज है, व्हाट इज स्टेरिक नंबर? वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाय 2, 2 + 2 - 0 + 0 / कितना आएगा स्टेरिक नंबर? 2। 2 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
एक एस और एक पी विल गिव यू व्हाट? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है ये? चल, थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया था, थोड़ा इंटरेस्ट। कितना हो गया? क्या नंबर? 7, 8, 9। करो अब चार्ज वाला। हो गया। तो कार्बन अपना क्या है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। वी का वैल्यू 4 आया। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवेलेंट स्पीशीज। कितने हैं? 3। और कैटाइनिक चार्ज का वैल्यू क्या आया है? 1। तो व्हाट विल बी माय स्टेरिक नंबर दिस टाइम? वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाय 2। This will give you how much? 4 + 3 - 1/2। 7 - 1 6 by 2 will give you 3। तो hybridization कैसा होगा? एक s और 2p। This will give you how much? sp2। ये आया आपका आंसर sp2। 10 PO4 - 3। हो गया। अभी फास्फोरस वाला किया था, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है तो V का वैल्यू कितना आएगा? 5। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है? इट्स डाइवेलेंट स्पीशीज ऑक्सीजन। तो डाइवेलेंट के लिए M का वैल्यू क्या आता है? 0। और इस बार चार्ज कैसा है? A। A का वैल्यू कितना है? 3। स्टेरिक नंबर क्या होगा? V plus M minus C plus A by 2. What is the value of V? 5, 0 minus 0 plus 3 divided by 2. This will give you what? 8 by 2 which is equals to 4. 4 per hybridization kaisa aata hai? 1 S or 3 P. Toh kya banega ye? Ye aaya aapka answer. Homework likhiye. कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कराया वैसे।
ये आपका होमवर्क है, इन 20ों का आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है घर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एक्स कैरेक्टर, तो इसमें नोट, कोई ऑर्बिटल पूरा स्फेरिकल है, पूरा स्फेरिकल इज एस ऑर्बिटल, तो परसेंटेज एस इज 100%। ठीक है, एसपी तो एसपी में रुक जाओ यार, सर्कल बड़ा होगा, रुक जाना, बनाने देना उसके बाद। और बनाइए। एस एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री और सिर्फ पी ऑर्बिटल बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ये तो पता ही है हमें। ये हमने इसलिए लिखा, एस इसके अलावा पी नहीं है, तो पूरा का पूरा 100%, एस पी आधा आधा, एस पी टू 1/3, एस पी थ्री 25%, है ना, 1S और 3P 25%। एस पी थ्री कैसे बना होगा, 1S और 3P के साथ, तो 1/4 विल गिव यू हाउ मच, 25%। 1/3 विल गिव यू और 33.33%, 1/2 विल गिव यू 50%, एंड 1/1 विल गिव यू 100%। यहाँ 0/ दिस पी ऑर्बिटल विल गिव यू व्हाट, 0%। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा नोट में, बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय परसेंटेज एक्स कैरेक्टर। तो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी इज बॉन्ड एंगल,
बी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. जल्दी से ऑर्डर बताइए, क्या होगा ऑर्डर बॉन्ड एंगल का? व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल? किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? एसपी. ग्रेटर देन पी. नेक्स्ट टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. एक चीज डायग्राम को देख, जैसे जैसे एस कैरेक्टर घटता है वैसे वैसे ये जो लेंथ है आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है सभी को? इसको तो यहीं बनाना होगा, यहां लिखना होगा, लेकिन यहां तीन नंबर पर पहले लिख लेते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं थ्री नंबर. परसेंटेज एस कैरेक्टर increases, which implies shortness, or percentage P character increases implies long. ठीक है, अब इसका मतलब समझने के लिए इधर आओ, लिख लिया? मतलब समझने के लिए इस डायग्राम पर आओ. और इस डायग्राम पर ये लेंथ मार्क करो. अरे ये छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बना दिया. टॉप टू डाउन परसेंटेज एस डिक्रीजेस एंड टॉप टू डाउन परसेंटेज पी इंक्रीजेस. और दोनों ही केस में ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेरिक नंबर के फॉर्मूले में हमने बस और बस सिग्मा ही बॉन्ड क्यों लिया, पाई बॉन्ड क्यों नहीं लिया, है ना? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए. तो नोट में करके लिख लेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है शायद, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो लिखिए, लिखते चलिए बस.
सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा बोलो, कैसे बनाया था? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनाया था। वेयर एज पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बना था। साइडवेज ओवरलैपिंग को और हम क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग। See this. S orbital cannot form pi bond. Why it cannot form pi bond? Because it has no directional nature. Because it has no directional nature. और no directional nature क्यों होता है? S orbital का shape कैसा होता है? Sphere. Sphere का कोई direction नहीं होता है, वो हर direction में कैसा रहता है? Same. No sides. Okay. Sigma bond कैसे बना? Head on overlapping से। Pi bond कैसे बना? Sideways overlapping से। और pi bond का अभी हम थोड़ा सा डिटेल चीज लिख रहे हैं कि pi bond s orbital कभी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? Because of no directional nature. No directional nature means क्यों? Because it has no sides. Pi bond के लिए sides होना चाहिए, ठीक है? अगला पॉइंट में लिखो, एसपी एसपी टू एसपी थ्री। अभी जस्ट हमने इसमें क्या देखा? इन ऑल दीज ऑर्बिटल्स S character exists. कितना था इसमें? 50%, 33.33%. इसमें कितना था? 35%. Which means percentage S character का मतलब क्या है? कि ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं sp या फिर sp2 या फिर sp3, देयर विल बी सम s कैरेक्टर। देयर विल बी सम s कैरेक्टर इन दीज ऑर्बिटल्स। Since there is some S character in these orbitals, it cannot form pi bonds. It cannot form pi bond. Therefore, bada important line hai beta. Therefore, we can say that hybrid orbitals are unable to form why hybrid orbitals are unable to form pi bonds because it contains some s. S is non-directional in nature. It has no sides. Because of that, pi bond cannot be formed. Therefore, hybrid orbitals are unable to form pi bonds. And because of this, we study steric number as
सिग्मा प्लस लोन पेयर, नो पाइप। ओके क्यों हमने स्टेरिक नंबर को सिग्मा और लोन पेयर पढ़ा, आपको समझ में आया? स्टेरिक नंबर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब एस कैरेक्टर आएगा तो एस कैरेक्टर के कारण पाई बॉन्ड तो आएगा नहीं, इसीलिए यहां पर हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। ये लाइन हमें क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? इसके बाद जब अगली क्लास होगी विल स्टार्ट विद दिस। इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, और भी चीजें इसमें पढ़नी है तो वो सब हम करेंगे अगली क्लास। एक बार पन्ना पलट के देख लो, वो सब समझ में आया नहीं आया, नहीं तो होमवर्क एक भी नहीं बनेगा। एक लाइन इसके बारे में खाली लिख लेंगे, दिस विल हेल्प अस टू डिटरमाइन। शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार जो भी पढ़ाया मैंने आपको। ऑलमोस्ट 1/3 इज डन, 1/3 के अराउंड हो गया है, 2/3 और बचा है। टारगेट इज सितंबर मिड तक खत्म कर दें, 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। अरे एनसीईआरटी भी रीड करिएगा, ठीक है? पूछना आपको, फिर डन जा सकते हैं।